चुनाव का सीजन शुरू होते ही राजस्थान के जोधपुर से 120 किलोमीटर दूर फलौदी गांव में हलचल बढ़ जाती है। फलौदी गांव में सट्टा लगता है, जिसे यह अनुमान लगता है कि चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कहा जाता है कि फलौदी का सट्टा कभी नहीं चूकता, जो अनुमान निकलता है वो सटीक निकलता है। पांच राज्यों के चुनावों में फलौदी को चर्चा में लाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी ने सोशल मीडिया पर एक डेटा पोस्ट किया, जिसमें फलौदी सट्टा बाजार के हवाले से चार राज्यों में कांग्रेस की जीत का दावा किया गया है। ये भी लिखा कि फलौदी सट्टा बाजार आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। न्यूज तक ने अपने तरीके से फलौदी सट्टा बाजार को टटोलना शुरू किया। फलौदी सट्टा बाजार में कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थिति वैसी नहीं लग रही जैसा कांग्रेस बता रही है। न्यूज तक ने फलौदी के सट्टा बाजार का मिजाज समझने के लिए एक सटोरिए से फोन पर बात की। बिना पहचान जाहिर किए उन्होंने जो बताया वो आप सुनिए। इस बार क्या मतलब फलौदी का जो सट्टा बाजार है, क्या स्थिति है, क्या हालात है वहाँ पे, क्या मार्केट आपका फलौदी का जो सट्टा बाजार है वो देश के प्रमुख सट्टा बाजारों की गिनती में आता है। और जनरली इसके जो परिणाम होते हैं वो कहते हैं एकदम बिल्कुल सटीक और सही होते हैं। तो इस बार जो राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या स्थिति है, आपका सट्टा बाजार किसकी मतलब उसमें बता रहा है, कितनी सीटें कहाँ किसमें आएगी, कांग्रेस को कितनी आ रही है, बीजेपी को कितनी आ रही है और कौन सरकार बना रहा है? राजस्थान में अभी बीजेपी की आ रही है 22 से 25 सीट आ रही है 100। कितनी सीटें आ रही है थोड़ा दोबारा बताए, 100 कितनी सीटें आ रही है? 122 सीट और 25 सीट आ रही है कांग्रेस, ये बीजेपी को। जी जी जी। कांग्रेस को सीट आ रही है 62-65 आ रही है। ओके ओके जी। राजस्थान में बीजेपी सरकार का 20 पैसा का भाव, एक अपने 1 रुपए का 20 पैसा, मतलब सिर्फ 20 पैसा का भाव है। फलौदी सट्टा का अनुमान है राजस्थान में बीजेपी सरकार बन सकती है। बीजेपी को 119 से 122 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 66 से 68 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल फलौदी का सट्टा बाजार ये मानकर चल रहा है कि सीएम वसुंधरा राजे होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फलौदी में इस बार सट्टा लग रहा है कि वसुंधरा समर्थक के 50 से 60 विधायक टूटकर कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। तो वो संभावना नहीं है, कोई सोच में नहीं होगी। अशोक गहलोत की सरकार कोई सोच में नहीं होगी। अशोक की हमारी फलौदी वालों की तो ऐसा साइड धारणा है, ये तो जो अभी सेशन आ रहा है जो आपको बताया 62-65 का, साइड धारणा हमारी है फलौदी के अंदर 48-50 सीट की है। फलौदी के सटोरिए का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में करीब 20 साल बाद कांग्रेस का सूखा खत्म हो सकता है। फलौदी के सटोरिए के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का हो सकता है, लेकिन लीड कांग्रेस की ही होगी। कांग्रेस को 113 से 116 सीटें और बीजेपी को 108 से 111 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सट्टा बीजेपी की सरकार बनने पर लग रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पोजीशन को लेकर फलौदी क्लियर है कि कांग्रेस और बघेल की वापसी हो जाएगी। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 52 से 54 सीटें जबकि बीजेपी को 33 से 35 सीटें मिलने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की क्या हालात है? मध्य प्रदेश में दोनों की टक्कर है, लेकिन हमारे फलौदी के हिसाब से बीजेपी सरकार बनाएगी। फलौदी के सटोरिए ने मई में कर्नाटक के लिए जो अनुमान लगाया था वो सही निकला। कांग्रेस की सरकार का अनुमान सही निकला। कांग्रेस को 135 सीटें मिली जबकि 137 सीटों का अनुमान था। बीजेपी को 55 सीटों का अनुमान था, मिली 66 सीटें। गुजरात में भी बीजेपी सरकार का अनुमान सही निकला। हिमाचल में कांटे की टक्कर का अनुमान भी कमोवेश ठीक ही रहा, जिसमें आखिरकार बाजी कांग्रेस ने मारी। फलौदी को देश के बड़े सट्टा बाजारों में माना जाता है। केवल चुनाव ही नहीं, क्रिकेट, आईपीएल, बारिश पर भी सट्टा लगता है। इसकी चर्चा ही इसीलिए होती है कि भले सीटों में कुछ 19-20 हो जाए लेकिन पूरा अनुमान गलत नहीं होता। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।